बहुत ही अभूतपूर्व जनादेश हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं और हर एक चैनल पे यही आ रहा है कि 250 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। एक अभूतपूर्व जनादेश है, कई मायनों में ऐतिहासिक जनादेश है। और 2014 के आम चुनाव देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव देखिए, पुनः 2019 के आम चुनाव देखिए और 2022 के विधानसभा चुनाव, तो इन सभी चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने खुले रूप से, खुले मन से, अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को, योगी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है। हम सब विनम्रता पूर्वक इसको स्वीकार करते हैं। देखिए, जो चार राज्यों के रुझान निकल कर आ रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि भारत में एक नई राजनीतिक संस्कृति निर्माण हो रही है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी होती हैं और उन्हें सेवा करने का मौका मिलता है, तो वहां पर जो आम तौर पर सरकारें निकालने की भावना जनता में होती है, अब सरकारों को मौका फिर से देने की भावना निर्माण होते नजर आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 37 वर्षों में कोई भी मुख्यमंत्री वापसी नहीं कर पाए हैं, इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी पूर्ण काल तक चलने वाली सरकार वापसी नहीं कर पाई है। उत्तराखंड में भी चलन है कि एक बार सरकार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की होती थी। गोवा में 10 वर्ष बीजेपी की सरकार रही है, वहां पर भी हम आगे हैं, और मणिपुर में भी सरकार चलाने के बाद वहां पर भी हम सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्रीय योजनाएं हैं, नेतृत्व है, और जो मुख्यमंत्रियों की उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की कार्यक्षमता है, इस पर एक पॉजिटिव मैंडेट दिया जा रहा है। और ये एक पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल एंडोर्समेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के बारे में।